है चालू हो गए। हाँ अरे यार पिछली बार कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या? हाँ भाई तेजस कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या? यस सर। वो बता दो यार क्वेश्चन जो जो दिए थे वो बता दो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? यूट्यूब पर डालेंगे यार ये वाला तो डालेंगे क्योंकि बैकअप लेक्चर है। बैकअप लेक्चर कहाँ डालेंगे मुश्किल है। तो अगर आपको चाहिएगा तो मैं सेंड कर दूंगा उसमें क्या पढ़ाया था वो। यार उस टाइम पढ़िया करो क्या दिक्कत है। चलो देखो हाँ बताओ यार पहला क्वेश्चन क्या था मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन क्या क्या दिए। आकांक्षा आकांक्षा यस सर। चलो बता दो यार पहला होमवर्क में क्वेश्चन क्या दिया था। कुछ काम दिया था ना कुछ 5-6 क्वेश्चन दिए थे पिछली क्लास में थे बैकअप में। सर पिछले लेक्चर में नहीं थी बैकअप में नहीं थी मैं आज। अच्छा और कोई कौन था भाई? केतन तुम थे क्या पिछले वाले में? नहीं सर अब पूरा लेक्चर नहीं था लास्ट का था। श्रुति कहाँ से? एक मिनट मैंने लिखे। हाँ हाँ बताओ बस लिखे होंगे किए छोड़ना होंगे फटाफट बताओ यार क्या था पहला था। एक बैकअप लगाओ 3x पावर 1/7 3x पावर 1/7 प्लस 8 sin x dx sin x ये टोटल का dx यही है क्या? ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट है यही होगा। हाँ तो वही बताओ कैसे करोगे इसको। सबसे पहले तो इसका प्लस इसका ठीक है ना तो जब 3 बाहर आ जाएगा x की पावर 1/7 dx प्लस 8 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा भाई x की पावर 1/7 का 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1 प्लस 8 साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स। सी अलग से लगा देना तो कितना हो जाएगा 3 की x की पावर कितना हो जाएगा 8/7 और यहाँ पर 8/7 करोगे तो 8 ऊपर 1 यहाँ 7 यहाँ पर माइनस 8 कॉस एक्स प्लस सी तो कितना हो गया 21/8 एक्स की पावर 8/7 माइनस 8 कॉस एक्स प्लस सी बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन का आंसर यही आया था यस सर। यार जिसको समझ में आ गया ना थोड़ा स्पीड पर ध्यान दो स्पीड थोड़ी बढ़ाने की कोशिश किया करो। कोई भी सब्जेक्ट है ना तीनों सब्जेक्ट में अगर कॉन्सेप्ट में कमांड आने लग जाएगी तो स्पीड का फोकस करो क्योंकि इवेंचुअली अगर आप तो स्कोर बढ़ाने तो स्पीड तो चाहिएगी। लेकिन पहली चीज है कॉन्सेप्ट पकड़ना पहले तो कॉन्सेप्ट पकड़ो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ गया तो स्पीड बनाओ। हाँ भाई प्लस जीरो यहाँ पर लगा लो हाँ बताओ और क्या था दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? अच्छा विजिबल है सबको क्लियर विजिबल है उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ सर क्लियर है क्लियर है। हाँ हाँ चलो बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था भाई? x³ - 3x² बाकी तो मैंने आपको डेफ वो कोशिश कर रखा हूँ डेफ में ले आने की लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको काइनेमेटिक्स में काम पर आएगा तो बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा। एक लाइन में लिख रहा हूँ मैं x³ - 4/4 - 3x³ प्लस 2x प्लस c 3 से 3 जाएगा सिंपलीफाई करोगे x पावर 4/4 माइनस x क्यूब
प्लस टू एक्स प्लस सी बताओ। आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? स्पीड बढ़ा के बढ़ाऊं क्या? स्पीड बढ़ा के बढ़ाऊं? चलेगा सर। तो इससे पूछते हैं फरहान, स्पीड बढ़ा के पढ़ाई जाए क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसमें बैकअप लेक्चर में वो बंदे हैं जिन्होंने पहले इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है क्या? सर ऐसा कितने लोग दूसरी बार पढ़, कितने लोग हैं दूसरी बार पढ़ने वाले? मेरे को नाम लेता हूँ, बताते रहना। हाँ भाई आकांक्षा दूसरी बार? यस सर, उस दिन छूट गया था एक लेक्चर, इसके लिए ये वाले अटेंड कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हर्ष? यस सर। सेकंड टाइम? यस सर। अच्छा केतन सेकंड टाइम? यस सर। मौसमी सेकंड टाइम? शायद। यस सर। प्रितेश सेकंड टाइम ना? प्रितेश सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम? बंदा तो अभी प्रेजेंट होके भी एब्सेंट हो रहा है। श्रुति सेकेंड टाइम? नो सर। फर्स्ट टाइम? हाँ। तेजस सेकेंड टाइम? नो सर। तुलसी सफर सेकेंड टाइम? ठीक हो गया। यांशु? नो फर्स्ट टाइम सर, वो भी अटेंड किया है। हाँ हाँ मतलब अरे मतलब समझिए ना बैकअप, मतलब अगर आपने बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन पढ़ाया तो उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ओ चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन थोड़ा बताओ। मैंने आपको मैसेज कर दिया था 545 ना 520 पे कर दिया था, कितने पे किया था 530? मैंने कहा थोड़ा रिवाइज करके आना, थोड़ा वो ग्राफ वालों में प्रॉब्लम था इसलिए। वो ग्राफ तो चलो कर लेंगे अभी, थोड़ा पहले इनको ये तो करा दो। हाँ फटाफट कर जाओ फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले जिनको जाना है जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड चलाऊंगा अभी मैं, आधा घंटा लगभग लग जाएगा, ठीक है? और हाँ उसके बाद हाँ बताओ भाई तीसरा क्वेश्चन क्या था फटाफट? cos 3x - 2 dx। टू कॉस 3x - 2 dx यही होगा है? तो इसमें क्या करोगे 3x - 2 को? देखो टू तो हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, 3x - 2 को थोड़ी देर के लिए मान लो 3dx - 0 = t का डिफरेंशिएशन dt बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तुम्हें कैसे समझ में आएगा इसको t मानना है? बताया था भाई अगर यहाँ पर x हो जाता तो मेरा काम बन जाता, तो उसी को बना लो कुछ t मान लो, कुछ नया बनाओ। तो कितना हो गया इंटीग्रेशन, 2 को बाहर लेते हैं, cos 3x minus 2 को t बना दिया, dx के लिए ऊपर आ जाएगा dt upon 3 upon 3, t को बाहर लेते हैं, बताओ। cos t का इंटीग्रेशन sin t plus c 2/3। यार जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं उन्होंने काम किया भी है कि नहीं किया, खाली बस टाइम पास कर रहे हैं? नहीं सर किया है। किया है सही आंसर, कुछ और आ गया सर? नहीं सर यही था। चलो ठीक है फिर अगला बताओ, फटाफट बताओ यार। देखो आपका ये थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फिजिक्स में इन दो क्वेश्चनों की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा फिजिक्स में आपको, इतना आना चाहिए, इतना सब्स्टिट्यूशन लगाना आना चाहिए एटलीस्ट, और सेकंड वाला तो सिंपल था, फिजिक्स में उतनी रिक्वायरमेंट है। ऑल दो आपके टेस्ट में अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आए तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया पूरा रखा है आपको। हाँ भाई अगला बताओ, कौन सा लगेगा? x2x। हाँ e पावर 10x इसको मानो तो भाई t 10x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, बताओ। अब मेरे को सपना कहाँ से आएगा 10x को t मानूं? अगर इसको t मानूंगा डिफरेंशिएट मारूंगा sec स्क्वायर x आएगा ही आएगा, तो यहां से निकल लेगा ये वाली चीज, इसीलिए दे रखी है ताकि ये इंटीग्रेट हो सके, ठीक है ना? तो e की पावर log के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर उनको x माना करो। अब x को थोड़ा ना x मान लोगे, उसको मतलब
रिप्लेस थोड़ी ना करोगे उसको, थोड़ी ना सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पर मजबूरी थी भाई, यहाँ पर कोई फंक्शन ही नहीं है, और सब उसके अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ आ रहा है, उसको थोड़ी देर में टी मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर, ये डोमिनेंट है, e डोमिनेंट है एक्सपोनेंशियल, तीन ही चार फंक्शन होते हैं आपके, तो आपको मैं पढ़ा रखा है मैंने आपको, एक एल्जेब्रिक, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेन, ये सब मेनली साइन कॉस, ठीक है, बाकी वो बाकी चार भी आते हैं, लॉग e की पावर। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत पड़ेगी, आपको लग रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो आप पर एक ही आता है आपको तरीका, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगले साल से पढ़ा देंगे मैथ में, वो बाय पार्ट पड़ जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सारे हो जाते हैं, सब प्रॉब्लम हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है पूरा। तो ठीक है, आपके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो यानी इसमें भाई इसको तो ये दिक्कत नहीं कर रहा, ये तो हमें फायदे के लिए दिया हुआ है। टेन एक्स को टी मान, टेन एक्स को टी मानोगे डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, dx लिखना मत भूलना, ठीक है, sec square x dx is equal to t का differentiation dt, क्या फायदा हुआ, sec square dx direct replace हो जाएगा dt से, तो क्या बचा, e की power t dt, बताओ समझ में आया यहाँ तक, इसको क्या मानना है, e की power t dt का integration e की power t plus c, तो कितना हो गया, e की power t किसको माना था, 10x को e की पावर 10x प्लस c, आगे आंसर बताओ यार, सर्विस भी एंटर करना चाह रहा, करवाएं कि नहीं करवाएं इसको एंटर, हाँ भाई केतन, हाँ सर, ये सर्विस क्लास में एंटर करना चाह रहा है, एंट्री परमिशन देगी नहीं दे इसको, दे दो अरे बहुत डिस्टर्ब करे यार, चलो हाँ भाई अगला बताओ, अगला बताओ फटाफट बताओ, सर्वेश हाँ सर आगे, हाँ क्यों ऐसे क्यों है भाई, टाइम पास नहीं हो रहा है कमरे में बैठे बैठे, नहीं सर, अरे क्या मजाक कर रहा हूँ, मेरे को पता है तुम्हें टाइम पास नहीं हो रहा तुमसे, तुम क्लास अटेंड करने आ गए, ये तो मत बोलना कि मतलब पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग लगता है तुम्हें, सर बहुत इंटरेस्टिंग है, अरे क्या मजाक कर रहा हूँ, है तो बताओ अगला क्वेश्चन क्या था, चौथे के बाद पांचवा एक और दिया हुआ, पांच दिए थे, कितने दिए थे, पांच दिए थे सर, आज दिए थे, पांच में से शायद हो गए थे तीन, अच्छा लास्ट के दो आपने बोला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बाद में करेंगे, x माइनस टू, अरे रुको एक बताओ, एक बताओ, x क्यूब माइनस एट अपॉन x माइनस टू, x क्यूब अपॉन एट, नहीं सर x क्यूब माइनस एट, x क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये इंटीग्रेट करना ना, अरे कैसे होगा ये, सर एक्स माइनस टू को टी लेंगे, कर लो कर सकते हो, तो आया किसी का आंसर, ये इसको इंटीग्रेट कर लिया आपने तो आप आपका दिमाग है थोड़ा, आईक्यू अच्छा खासा है, काफी अच्छे लेवल का आईक्यू है, x cube minus 8 upon x minus 2 को इंटीग्रेट कर दिखाओ, आपको पता भी है इसमें सब्स्टिट्यूशन के बिना काम होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाने जाओगे फंस जाओगे उल्टा यार, पूरा ऊपर भी एलजेब्रिक है नीचे भी एलजेब्रिक है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल नहीं रहा, जब भी एलजेब्रिक अपॉन एलजेब्रिक होता है ना, अब मैंने यार रूल अलग से लिखवाया नहीं है, ठीक है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही अगर एलजेब्रिक अपॉन एलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे वाले को टी मान के ऊपर डिफरेंशिएशन पक्का मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दिमाग लगाओ कुछ और, एक बात बताओ, 8 को मैं क्या 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 का क्यूब, हाँ है ना, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब लगाऊंगा, a क्यूब माइनस b क्यूब लगाऊंगा, तो ना मैं 8 को लिख दो थोड़ी देर के लिए 2 का क्यूब, बताओ
और फिर मैं क्यों ना a माइनस बी लगाऊ, a क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ भाई कितना होता है सर? a माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी। आकांक्षा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है सर? a प्लस बी, नहीं सर आप माइनस, सर एक मिनट मैं बता रहा सर, बता a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। क्या a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सर? सर 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 a माइनस बी इनटू a स्क्वायर माइनस a प्लस ए बी इनटू प्लस प्लस टू का स्क्वायर। अबे कलाकार इंसान हो, तुम्हारी गणित तुम्हारी मैथ ही वीक होगी। तो कैसे इंजीनियर बनोगे भाई? मैथ ही वीक होगी तो कैसे इंजीनियर बनोगे? सर आप जरा अचानक पूछते तो घबरा जाते हैं हम। कोई बात नहीं, मैं कौन सा यहाँ हूँ मैं नैनीताल में, यहाँ से उड़ के मारने नहीं आ रहा हूँ, बहुत दूर है, ऊपर से कोरोना रास्ते में बहुत है, खुद को हो गया अभी मेरे को, चल रहा है भाई। कौन सा वाला सर, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सर? दो माइनस बी क्यूब का होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दो होता है ना, क्या होता है? अब देखो कौन सा फिट आएगा बताओ, क्या लगता है कौन सा फिट आएगा यहाँ पर? यहाँ पर यही वाला आएगा ना, मोस्ट कॉमनली यूज यही तो होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाओ ना यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यार एक कायदे से मेरे पार्ट्स नहीं है ये सब पढ़ाना, ठीक है यार? ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, मैथ की साइड से पता होना चाहिए, बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैथ की साइड से पता होना चाहिए आप, तो मेरा काम थोड़ा ना ये वाला फॉर्मूला पता। ठीक है तो यार यहाँ पर तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा, यार दिमाग लगाना पड़ेगा, आपकी आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए मैथ में, ठीक है? मैंने थोड़ा अजीब सा थोड़ा वो दे दिया क्वेश्चन, जहां पर ना सब्स्टिट्यूशन लगेगा ना नॉर्मल इंटीग्रेशन है, तो यार वहां पर आपको रेगुलर मैथमेटिक्स को दिमाग पर लाना पड़ेगा कि यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं ऐसा क्यों ना लिखूं, और अगर ऐसा लिख लेता हूँ एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा यार, इसका इंटीग्रेशन बचेगा, इसका इंटीग्रेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स टू एक्स डी एक्स प्लस फोर डी एक्स, बताओ इसका इंटीग्रेशन तो बन जाएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत है मैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ये दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस आएगा वो, थोड़ी इमेजिनेशन चाहिए आपको, थोड़ी सोचना पड़ेगा यार क्या कर सकता हूँ। देखो हमारे आईआईटी में सबसे प्राइमरी हमारा जो रहता है वो होती है मैथ, मैथ तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आप मतलब अच्छे इंजीनियर जो माना जाता है, ठीक है ना? चलो मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, डिसेंट भी, मतलब आप ये है कि आपका मान लो अगर 120 नंबर का मैथ का पेपर है, 120 में से भी अगर आप 40-50 आईआईटी में, आईआईटी की बात कर रहा हूँ मैं, इतने लाने के काबिल हो, अगर इतने लाने के काबिल हो तो आप फिजिक्स में पक्का इसको 70-80 के बीच में घुमा सकते हो सर, अगर उतने भी नहीं आने वाले होंगे तो। हाँ तो वो आईआईटी बॉम्बे का नाम सुना है? हाँ तुमने सुना ही होगा। हाँ तो वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आईआईटी, उसका सुना है क्या, क्या बोलते हैं अपना थाने, सर्विस आईआईटी थाने सुना है क्या? नहीं सर। हाँ तो वो मिलेगा, तो वही है ना, थाने में कोई आईआईटी नहीं है, वो मिलेगा तुम्हें, ठीक है? कुछ नहीं मिलेगा फिर तो, यहाँ तो अगर मतलब इनकेस अगर ड्रीम बड़ा रखो यार, ड्रीम बड़ा रखोगे ये है आपका, ये सिनेरियो, ये सिनेरियो। फिर अब जनरली क्या होता है, बच्चा हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती तीनों को हैंडल करना, मैथ फिजिक्स वाला बंदा एक होता है जनरली, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बंदा मिलेगा आपको, तभी ये नहीं होता कि मैथ और केमिस्ट्री वाला बंदे का ये तो सीन ही नहीं होता यार, अगर किसके पास किसको मैथ भी सही लगती है केमिस्ट्री भी सही लगती है, फिजिक्स तो हो ही नहीं सकता,
मतलब आप टीचर पर ब्लेम कर सकते हो बच्चों कि यार टीचर ने इंटरेस्ट किया नहीं बताई, हो नहीं सकता। मतलब आप आईआईटी लेवल की बात करो, आईआईटी लेवल पर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री सही है, फिजिक्स खराब हो ही नहीं सकती आप। इनफैक्ट आईआईटी वाला बंदा हमेशा स्कोर अच्छा रहता है फिजिक्स में मारता है और उसका आईक्यू अच्छा है और मेहनत करने आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में यार याद करने वाली चीज़ें हैं इन ऑर्गेनिक में काफ़ी। तो वो बंदा सोचता है मैथ में, मैथ जैसे होता है 3 घंटे का पेपर है तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, आपको 40 से 45 मिनट में 40 to 45 मिनट में केमिस्ट्री निपटानी है, ऐसा ही कुछ 45-50 मिनट में मैथ निपटानी है, फिजिक्स निपटानी है, मतलब एटलीस्ट 1 hour and 20 to 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा आपको मैथ में देना ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होता है, मैथ का दिमाग खाता है सर। तो यार उस बच्चा सोचता है, अगर सही तेज बच्चा होगा वो सोचेगा केमिस्ट्री में मेहनत कर लेता हूँ क्योंकि आता है तो आता है, इनऑर्गेनिक में क्या थ्योरी है, तीन नंबर का क्वेश्चन मैथ में भी है यहाँ भी है, वहाँ वाला कैलकुलेशन में टाइम लेगा, यहाँ वाला अब क्वेश्चन आ गया मान लो मेटलर्जी का आ गया, आपको आंसर पता है, एनसीईआरटी आपने रटी हुई है, आंसर पता है तुरंत से, मतलब आपको 20 सेकंड लगेगा मुश्किल से, 20 या 10 सेकंड इनऑर्गेनिक को फट से मारा आगे बढ़े, वही चीज़ मैथ का वो 3 नंबर का क्वेश्चन वो टाइम ले लेगा आपका। तो इसे मैथ में टाइम लगता है, तो मैथ को बना के रखो ठीक है बढ़िया, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है केमिस्ट्री, डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा ये रहता है आईआईटी में, फिर ये रहता है ये रहता है, मेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेंस में क्वेश्चन आईआईटी के क्वेश्चन इस लेवल पे चल रहे होते हैं ना, मेंस क्वेश्चन इस लेवल पे चल रहे होते हैं, इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो लगभग थोड़ा बहुत बैलेंस टाइप का रहता है, फिजिक्स में भी, फिजिक्स में तो आईआईटी का ऊपर है जिसका मेंस का नीचे है, मैथ्स में तो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, तो ये रहता है। मेंस के लिए कोई दिक्कत थोड़ा, मेंस में तो कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, 2 सब्जेक्ट में महारत ही हो, 100 में से 80-80 नंबर लाने लायक बन जाओ, 100 में से 80-80 और 1 में 50-1 तो ले ही आओगे 230 नंबर, लेकिन पहला अटेम्प्ट चाहिए, पहले अटेम्प्ट में ये मारोगे तो काम है, क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट तक हर कोई बच्चा तेज हो जाता है, सबको टाइम मिल जाता है। सर सर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx क्या होगा बताओ? 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन 2x, बस कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है ना यार, बताया तो था कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, 3 ही तो रूल है इंटीग्रेशन में, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, एडिशन रूल और सब्स्टिट्यूट डालो ही, देखो चौथा डाल देता हूँ ना, बड़ा देखो यार तुम्हारे तो बगल में आईआईटी बॉम्बे है, मतलब मेरे यहाँ स्टूडेंट मैंने 2 साल से मैंने पढ़ाया था उसको 11th 12th से, उसकी है अभी 98.4% भी है, मेंस में भी 98.6% है उसकी, बहुत डिसिप्लिन है। अब यहाँ लोगों को मिनिमम मार्क्स बताओ ना, मैथ्स के मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? अबे मिनिमम थोड़ा ना होता है, मिनिमम से थोड़ा होता कुछ, चलो बताते हैं पहले कुछ पढ़ लेते हैं आगे, इसको 5 ही थे कि आगे भी था कुछ? डाउट है इसका, डाउट है सर्वेश? हाँ तो निकल लो क्लास से बाहर तुरंत तुरंत एग्जिट करो सर, एक ही डाउट है। डाउट तो हाँ बताओ सर, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/ क्यूब रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/ क्यूब रूट ऑफ एक्स, हाँ भाई एक बात बताओ इसको करो भाई सब लोग करो, अरे वर्कशीट में था, हाँ ये तो बताओ, इसमें खाली सर्वेश ही मूर्ख बन रहा है कि कोई और भी मूर्ख बन रहा है क्वेश्चन में, करो करो फटाफट करो आप, पर 1 मिनट तक फटाफट, 1 मिनट एक मिनट सो पढ़ लेना सब लोग करो। हो गया सर,
हो गया सर। कितना हुआ इसका? x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। इसको ऊपर लेके आओगे कितना बनेगा? इसको ऊपर लेके आओगे -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। सर्वे समझ में आया? हाँ सर। सर वो मैंने क्यूब रूट को 1/3 लिखा ही नहीं। चलो अगला बताओ और कुछ क्वेश्चन था क्या? सर वो वर्कशीट में और से नहीं। अरे यार तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए थोड़ी ना क्लास है। चलो तो निकलो क्लास के बाद है, बाकी को पढ़ने दो इनका बैकअप जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा। हाँ जूबिया तुम्हारा हो गया था क्या? तुम्हारे भी डाउट है कुछ? सर सर वीडियो पॉज हो गया। हाँ वो अभी थोड़ा कॉल आ गया था, किसी से कॉल आ रहा था मेरे पास। ठीक है चलो आ गया वीडियो, आ गया क्या? हाँ सर आ गया। हाँ ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यार उतना ही था जितना पिछली बार पढ़ाया था। एक आधे और लिख लो, एक आधे क्वेश्चन और कर लो। डिफिकल्ट देना है तुम्हें? चलो डिफिकल्ट देता हूँ। लो करो, x की पावर 1/3 साइन ब्रैकेट में x की पावर 4/3 माइनस 8 dx। करो इसको इंटीग्रेट। r की पावर 4 ब्रैकेट में 7 माइनस r की पावर 5/10 का क्यूब dr। करो इंटीग्रेट। हाँ भाई सबके सब करो इसको फटाफट करो। होते जाएगा बताते जाना, ठीक है मैसेज करते जाना।
हाँ हो गया क्या? पहला हुआ क्या? दो हो गए। चलो ठीक है, करते जाओ करते जाओ। पहले वाले का बता दूं सबको सॉल्यूशन, तीनों हो गए। विष्णु तुम दोबारा पढ़ लो, विष्णु का हो गया दोबारा, तुम दोबारा पढ़ लो यार। 4/3 -8 विष्णु ये बताओ तुम्हारी एडवांस वाले में ले रखा है क्या तुमने? एडवांस वाला या मेंस वाला वो ले रखा है? कुछ रेजिडेंस का आया होगा ना, कुछ एडवांस वाले बैच में लिया है कि मेंस वाले में? कुछ पता नहीं। मतलब सीट में क्या दे रखा है? सीट में वो लास्ट में एचएलपी करके कोई लेवल दे रखा है क्या? हाँ तो उसी के तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए टी मान लो, इसको टी मानोगे बताओ भाई। एक्स की पावर 4/3 का डिफरेंशिएशन, 4/3 एक्स की पावर 1/3 बताओ। पावर कम हो जाएगी ना, एक पावर कम करोगे इतना आएगा dx -0 = dt। अब ये चीज डायरेक्ट खड़ जाएगी बताओ, ये चीज एक्स की पावर 1/3 dx डायरेक्ट खड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना आएगा 3/4 dt। तो पहले तो साइन को लिखो साइन टी, तो इतना चीज तो हमने वैसे ही रिप्लेस कर दिया साइन टी से, ये चीज टी से रिप्लेस हो गई। एक्स की पावर 1/3 और dx डायरेक्ट रिप्लेस होंगे 3/4 t से बताओ, 3/4 dt, 3/4 dt से इंटीग्रेट मारो। 3/4 बाहर, साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन, साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी प्लस सी, कितना आ जाएगा -3/4 कॉस एक्स की जो टी की जो का कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4/3 -8 प्लस सी। ठीक है, तो विष्णु एच एल पी हो गई क्या तुम्हारी? कर ली क्या सॉल्व एच एल पी? चलो ठीक है, तो फिर उसी से क्वेश्चन देता हूँ। एक काम कर लो यहाँ से, तुम खुद ही से सॉल्व कर लो यार, मैं तीन क्वेश्चन बहुत हैं, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ तो यहीं पर रह जाऊंगा मैं। ठीक है ना, इसके बाद वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बताता हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद एजेंडा कर तुम अपने से खुद से कर लेना उसको। डाउट आएंगे तो रेगुलर लेक्चर में पूछ लेना, रेगुलर लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलो भाई पहला तो हो गया, अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, दूसरा हो गया होगा। ठीक है, पहला वाला मिटा रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ सबका हो गया होगा। इसको दिक्कत है तो बताओ पहले वाले में। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है चलो दूसरा वाला बनाते। तो वो दूसरे वाले में क्या है यार, अंदर वाले को अगर टी मान लोगे, लेकिन यार डिफरेंशिएशन में कमांड आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन तेज होगा तभी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन दिखेगा आपको। भाई कैसे लगने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन पावर कम कर देगा, ये तो जीरो हो गया, इसकी पावर कम कर देगा और एक से कम करेगा आर की पावर 4, तो यानी ये घट जाएगा। तो यानी खाली इसको नहीं मानना है, इस पूरे को मानो, क्योंकि खाली इसको मान के देखो दिक्कत आ जाएगी आपको, आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। पूरे को मान के देखो, पूरे को मान के देखो, ये प्रैक्टिस से आया यार, थोड़ा सा थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। अपॉन 10 को टी मान लो, 7 का 0 हो गया -5r^4 dr/10 = dt। आर की पावर 4 dr आपका बन जाएगा 2 dt बताओ। बस एक दिक्कत हो गई माइनस के साइन,
माइनस टू डी टी बन जाएगा। ठीक है चलो देखो कितना हो गया, इसको हमने माना टी, तो टी का क्यूब आर की पावर फोर डी आर एक साथ रिप्लेस हो गया, आर की पावर फोर डी आर हो गया माइनस टू डी टी, माइनस टू तो बाहर आ जाएगा, कितना आ गया माइनस टू टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, माइनस टी की पावर फोर कितना है सेवन माइनस आर की पावर फाइव अपॉन टेन की पावर फोर अपॉन टू प्लस सी, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? अब अगर सर्वेश को दिक्कत नहीं है तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूं। सर्वेश घर में सब बढ़िया, सब मस्त चल रहा है मामला? बहुत बढ़िया, दुनिया कोरोना से परेशान है तुम्हें मस्त चल रहा है? कौन सी मस्ती सुझी है तुम्हें है? एक साइड से तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, ऊपर से कोरोना चल रहा है, तुम मस्त हो रखो, कैसे बदलोगे? ये पीस वाली जगह पर कैसे पहुंचे हो तुम? मतलब अरे ऐसा पीस कैसे मेंटेन कर रखा तुमने कि भैया इतना मेंटल पीस होना? कुछ नहीं सर, टेंशन नहीं लेने का, नहीं कुछ कर चलो ठीक है। अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या करो, अगले वाले को दो तरीके, वैसे तो क्या माना है सेवन माइनस थ्री वाई स्क्वायर को टी माना है कि टी स्क्वायर माना है? हाँ वही यू स्क्वायर या टी स्क्वायर। वीडियो बहुत लैग हो रहा है। आ जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा सर, वीडियो लैग कर रहा है क्या? अभी भी लैग कर रहा है? नहीं सर अभी ठीक है। इसको लाइक कर रहा है, किसका हो रहा था? केतन का हो रहा था क्या लाइक? हाँ सर अभी सर अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। एक काम करो, अब यार तुम्हें जैसा सपना आएगा कि देखो इतना समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन में ये दिक्कत कर रही है, थोड़ा ज्यादा होता है कि मानना तो इसको पड़ेगा है। तुम्हें जैसे सपना आएगा कि सेवन माइनस थ्री वाई स्क्वायर को मैं टी ना मान के टी स्क्वायर मानू, या टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? टू टी आएगा, ठीक है, वो ज्यादा फायदा देगा। आप टी मान के तो देखो, अगर टी से भी हो जाएगा, टी से भी हो जाएगा, मैं टी से करता हूँ ठीक है, क्योंकि जनरली आप टी मानते हो, टी स्क्वायर से थोड़ा आसान पड़ जाएगा। चलो देखते हैं, जीरो माइनस सिक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, इस पर काम करते हैं, ऐसे डिब्बे में बंद कर लेते हैं, रूट नहीं लेंगे ना, खाली अंदर वाले को रूट को लेके चलोगे सर, उसको वन बाई टू लिया दो, वन बाई टू किसको? सेवन माइनस थ्री वाई ब्रैकेट रेस टू वन बाई टू, तो उसको जो सेवन माइनस थ्री वाई को डी ले लेंगे, ये वन बाई टू छोड़ना है, रूट मतलब सर वन बाई पूरे का वन बाई टू है, लेकिन सेवन माइनस हाँ तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको टी मानो तो फिर यार वही हो गया ना, या तो आप इसको टी स्क्वायर मानते हो या तो इसको टी मान लो, दोनों से हो जाएगा सॉल्व। एक्सरसाइज टू में एक क्वेश्चन था कि नहीं था, एक फाइव एक्स प्लस थ्री फाइव, उसको यू स्क्वायर मानो, एक बार यू मानो, उसने दो दिए हुए, एक्सरसाइज टू में दे रखा देखो जरा, एक क्वेश्चन दिया होगा, एक बार यू मानो एक बार यू स्क्वायर, दोनों से हो जाता सॉल्व, दोनों से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस आ जाता है। देखो चाल तो हम यहाँ तक पहुंच गए, तो अपने को क्या करना है, अपने को y dy रिप्लेस करना है, y dy dt अपॉन इतना,
y dy को लिख दिया हमने dt अपॉन माइनस का 6, काम खत्म। 3 रह गया, 7 माइनस y स्क्वायर को हमने t माना हुआ है तो रूट t रह गया। y स्क्वायर माना होता तो थोड़ा और फायदा हो जाता शायद, ठीक है ना, थोड़ा और फायदा हो सकता था। चलो तो देखते हैं तो कितना होगा, इससे ये कटेगा, माइनस का 1/2 बाहर आने आ जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर हाफ अपॉन t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा प्लस c, तो यानी कितना आ गया आपका आंसर, कितना जाएगा हमसे 2 करेगा माइनस t, किसको माना हुआ है आपने 7 माइनस 3y स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ सर, बाय 3 भी आएगा ना? हाँ यार बाय 3 भी आएगा, मुझे नहीं है क्या, मुझे तो तुम में से किसी को कोरोना ना तो नहीं हुआ, हुआ था क्या किसी को कोरोना? नहीं सर, वही है, गर्म पानी वगैरह पीते जाओ, उसमें हमें भी होना चाहिए कोरोना। इम्यूनिटी अच्छी है तो ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, एक दो दिन एनर्जी डाउन हुई मेरी, कल की क्लास दे नहीं पाया, कल और परसों एनर्जी डाउन थी, आज ठीक ही है, मतलब रिकवरी है, एक गला रह गया बस। हाँ भाई चलो आगे बढ़े, तो एक काम करते हैं, अगर डेफिनेट हो गया हमारा, हाँ तो अभी चल ही रहा है भाई, मैं मिलके आ रहा था, मैंने टेस्ट नहीं कराया, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ मेरे को हो गया है, दोस्त को था, दोस्त के भाई को था, मैं दोस्त के घर गया था मिलने, वो पहाड़ से अखरोट अखरोट लेके आया था, अखरोट और चेस्टनट वगैरह लेके आया था, उसने कहा लेके जाओ भाई, मैं चले गया, तो आराम से वहीं कैरम वैरम खेला, गेट वेल सून सही हो गया ऑलमोस्ट। सर आपने और क्या क्या किया कोरोना? अरे कुछ नहीं, थोड़ा वो आमला कैंडी लेके आ रहा था, कोरोना उत्तराखंड में कहीं हम रामदेव अपने ही मतलब चाचा के मौसी के ताऊ को ही तो लगता होगा, हरिद्वार में ही रहते हैं, तो हमारे तो नजदीक है, कोरोना मिलती है तो थोड़े वो ले ली, उसमें गिलोय विलोय होता है, वो छोटी होता है, ज्यादा कुछ नहीं, अरे गर्म पानी पी रहा हूँ, कोई गोली वोली नहीं खा रहा, कोरोना में है थोड़ा सा फिलोए लोए की गोलियां है बस, और कुछ नहीं, बुखार भी नहीं आया, सिंपल थोड़ा सा गला में वो खराश टाइप की होती है, सोर थ्रोट जिसको बोलते हो आप, वो हो गया बस, वही होता है, वो हुआ, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हुई एक दो दिन, अभी थोड़ा सही हो रहा है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन हेडिंग डालो, चलो फटाफट डालो डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन आप सब जानते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन खाली बस एक छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है, 6.5 तुमने 7.5 करवा दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करवाया है। चलो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्या बात करोगे, लिमिट लग जाएगी बस, कि यार कहां से, क्योंकि इंटीग्रेशन का मैंने शुरू में बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समअप करना, यार एक सीरीज रखी 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आपको बताया ही नहीं है कहां से कहां तक समअप करना है तो दिक्कत है ना, वो इनडेफिनेट हो गया, हमने डिफाइन नहीं किया, और हमने अगर डिफाइन कर दिया है तो डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, एक्स की वैल्यू ए से लेके एक्स की वैल्यू बी तक, मान लो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है एफ एक्स,
इंटीग्रेशन एफ एक्स था, तो इसमें ए बाय बी लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आया क्या करनी है, बताता हूँ एग्जाम्पल से। एक्स की पावर टू डी एक्स वन अपॉन थ्री भी मान लो, ठीक है, ठीक है, इसकी पावर वन से लेके एट, वन से लेके टू तक, थ्री तक मान लेते हैं, चलो। एक्स एक्स कर लो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ये तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट वन से टू लगा दो, क्या करो पहले ऊपर वाले को पुश करो, एक्स की जगह पर जहां जहां पूरे फंक्शन में, फंक्शन क्या है, ये है आपका फंक्शन, ये है, इसमें पहले एक्स की ऊपर टू पुट कर दो, टू का स्क्वायर अपॉन टू, जब आपने ऊपर वाली चीज पुट करी माइनस, अगली बार नीचे वाली चीज पुट कर लो एक्स की ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन टू कितना हो जाएगा ये, अब देखो यहाँ तो क्या करो, एलसीएम ले लो, टू को एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम टू बन जाएगा, फोर माइनस वन, फोर माइनस वन तो वन पॉइंट टू, वन पॉइंट फाइव आ जाएगा, थ्री बाई टू आएगा ना, थ्री बाई टू। हाँ भाई विष्णु जल्दबाजी हो गई, ठीक है तो ध्यान से देखो, फोर माइनस वन, सर आपने वन से थ्री लिखा था, अच्छा वन से थ्री लिखा है क्या, हाँ ठीक है, तो अच्छा हाँ ठीक है ना, तो थ्री, तो थ्री का स्क्वायर तो नाइन माइनस वन, तो भी तो नहीं आएगा, नाइन माइनस वन एट डिवाइड बाई टू, फोर आएगा आंसर, कुछ कर लो, तुम्हारा तो आंसर नहीं आ रहा है। हो गया देखो, चलो डेफिनेट का तो ये है हिसाब किताब, मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, है ना, बताओ भाई इसको, टू साइन थ्री एक्स की वैल्यू, हाँ 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 डी एक्स फाइव बाई ट्वेल्व से लेके फाइव बाई सिक्स, चलो भाई करो सब लोग, सब लोग करो, ठीक है इस क्वेश्चन को करो, और इसके बाद अगर कर लोगे एक्स क्यू प्लस ई की पावर एक्स एक्स करना जीरो से लेके फोर तक, जीरो से लेके टू तक, बस दो क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन के, दो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के हैं बस, इन दोनों को कर लो। यार आप लोग अभी क्लास तो नहीं है, नहीं क्लास व्लास है क्या, नहीं सर आज कुछ नहीं, ठीक है चलो करो इसको फटाफट करो। तो माइनस रूट टू बाय थ्री, देखते हैं देखते हैं, कर लो कर लो, मैं भी सॉल्व करूंगा, दूसरा करो।
चलो देख पहले वाले को कैसे करोगे, पहले तो इंटीग्रेट कर लो उसको। 3x को t मान लोगे तो 3dx की वैल्यू dt, इंटीग्रेशन में 2 बाहर है, साइन t dx को कितना लिख दोगे, dx को लिख दोगे dt अपॉन 3, 3 बाहर आ गया होता, लिमिट मत लगाना क्योंकि आपने अगर t में कन्वर्ट कर रखा है तो लिमिट भी बदल जाएगी। तो या तो पहले इंटीग्रेट कर लो, या तो पहले इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, अभी लिमिट मत लगा। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ठीक है, कॉस टी, टी को भी वापस पुट कर लो, टी कितना था 3x, अब लगा लो लिमिट 5/2 से लेके 5/6 तक, हमेशा पहले प्रॉपर इंटीग्रेट करके x का फंक्शन को तब लिमिट लगाना, टी में लिमिट में लगा देना क्योंकि लिमिट बदल जाएगी। एक बात बताओ, जब x की वैल्यू बोल रहा है 5/12, जब x की 5/12 होगी तो एक काम करो, ऐसे करो 2/3 माइनस का cos t, जब x की वैल्यू 5/12 होगी, x में फंक्शन था, x की वैल्यू 5/12 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 5/4, या तो एक करो 5/4 से लेके फिर x में जाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो बस यही रह जाओ। अपर लिमिट कितनी, 5/6, 5/6 पुट करोगे तो 5/2 निकल जाएगा, या तो यहां से सॉल्व कर लो आगे को, या तो यहां से सॉल्व कर लो आगे को, या फिर क्या करो, अभी तक आप जो करते आए हो इंटीग्रेट करो उसमें t की जगह पर, फिर वापस x पुट कर लो, है ना, t की जगह पर वापस सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर लिमिट पुट करो, तो माइनस 2/3 को बाहर ले लो, cos of 3 pi by 6 minus cos of 3 pi by 12, ये हो गया आपका minus 2/3 cos pi by 2 होता है 0, minus pi by 4 होता है 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा 2/√2, जिसकी वैल्यू √2/3 आ जाएगी, √2/3 निकल के आ जाएगी, बताओ। अच्छा कल से तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन ना, कल से तुम्हारा ये बैकअप लेक्चर कोई और सर लेंगे शायद, है ना, तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ना, जेपीएन सर नहीं, कोई नए सर आए हैं मेरे पास, उनका टाइम टेबल में लगा हुआ है, क्योंकि देखो मैंने तो ये पढ़ा दिया है डेफिनेट, थोड़ा मैं एरिया अंडर कर भी मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, बैकअप लेक्चर में देखो मैंने ग्राफ यहाँ पढ़ा रखा है, जेपीएन सर ने नहीं पढ़ाया था, जेपीएन सर ने वहां भी नहीं पढ़ा रखा है, जेपीएन सर बाद में पढ़ाते हैं, मतलब काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं, मैं मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा देता हूँ, सबका अपनी अपनी अप्रोच है यार, मैं मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ बता देता हूँ, जेपीएन सर बाद में बताते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा फिर जब मेरे को ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी फिर थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा, तो जेपीएन सर का मानना है कि वहां पर पढ़ा दो, मैं पहले पढ़ा देता हूँ, मैंने कहा मैथमेटिक्स में पढ़ाओ इसको, तो वो है, तो अब वो सर पढ़ा भी सकते हैं आपको, कल मैंने कह तो दिया है, मैंने उनसे क्या बोलता हूँ, प्रशांत सर जो है हमारे जो टाइम टेबल बताते हैं उनसे काम लेगा, एक लेक्चर लगवा देना, तो उन्होंने किसी और सर का लगा रखा है, तो मतलब मैंने कुल मेरा मैंने मांग रखा था, मैंने कहा यार हफ्ते में 15 घंटे के राउंड काम दो मेरे को, मेरा भी काम आने वाला है, तो मैं 15 आवर्स का राउंड माना, तो किसी और का लग रखा है, दूसरे फैकल्टी का लगा हुआ है लेक्चर, तो उनसे ग्राफ करवा देना, है ना, अगले बार से ना, तुम्हारा मेल मैसेज तो मेरे को ही दे रखा है, AC2 वो बैकअप वाला, बैकअप में खाली ग्राफ पढ़वाना है उनसे, कि स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस दो चीजों का ग्राफ बनवाना चाहिए, ठीक है, तो उतने की रिक्वायरमेंट है आपसे, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, चलो देखो यार दूसरा देखो,
हाँ भाई ये वाला मिटा दूं, होंगे सबका। चलो यहाँ से चालू करेंगे, फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अच्छा जब भी डेफिनेट करते हो याद रखना, जब भी डेफिनेट करोगे तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, सी निकल के नहीं आता है, ठीक है, सी निकल के नहीं आता है। कितना आ गया, पहले अपर लिमिट पुट करो। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेट करते हो तो कॉन्स्टेंट नहीं निकल के आता, सी नहीं लेता, ठीक है, सी नहीं आता। मान लो अभी के लिए आपको समझाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और मैथमेटिक्स आपके लिए, अगर इनडेफिनेट है, लिमिट नहीं दे रखी है तो सी ले लो, ठीक है, तो सी ले लो। इंटीग्रेट क्या है, प्लस सी, डेफिनेट करते हो तो सी नहीं आता आपका, ठीक है ना, सी या के या कुछ भी मान लो, कोई कॉन्स्टेंट निकल के नहीं आएगा एडिशन। जब भी आप डेफिनेट करोगे तो सी लिखना, सी मत लिखना इनडेफिनेट में। हाँ वो भी मान सकते हो यार, सी कट जाता है करके, ये भी मान सकते हो, वैसे भी सही है, कोई गलत नहीं हो, सी कट जाएगा वो, ठीक है, लेकिन उसका और प्रैक्टिकल मीनिंग भी है यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, वैसे बेस्ट मीनिंग वैसे उसको वही है कि कट जाता हो, क्योंकि यार अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जब अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ समथिंग प्लस कुछ आ रहा है कॉन्स्टेंट, बाद में लोअर लिमिट करूंगा कॉन्स्टेंट है ना वो, तो दोनों साइड ऐड होगा, पर भी होगा नीचे भी ऐड होगा, ठीक है, तो कट ही जाएगा ना वो, तो कटना ही है आपका, तो वही बात हो जाती है, तो वो आता नहीं है। तो इसमें लिमिट पुट करोगे आप, लिमिट करोगे कितना हो जाएगा, टू की पावर फोर अपॉन फोर प्लस ई की पावर टू माइनस, याद रखना जीरो प्लस ई की पावर जीरो। कॉमन गलती है, कॉमन गलती है, लोग इधर वाले को पूरा जीरो कर देते हैं, भाई ई की पावर जीरो जब डालोगे तो वन आता है, बहुत कॉमन गलती है, बता रहा हूँ मैं आपको। टू की पावर फोर सिक्सटीन होता है अपॉन फोर फोर प्लस ई स्क्वायर माइनस वन, तो ई स्क्वायर प्लस थ्री आ जाएगा। इसको जीरो मत कर देना, नीचे लोअर लिमिट जीरो रखी, पूरे को जीरो मत कर देना, बहुत कॉमन गलती है आपकी, ठीक है ना। ई के जब खासतौर पर ई के फंक्शन में दिक्कत आती है, ठीक है, लॉग में भी आएगी, अगर लॉग का भी इंटीग्रेशन हो रहा होगा तो भी, क्योंकि आप एल्जेब्रिक का होगा कुछ कर लो, कैसा भी एल्जेब्रिक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन मान लो, मान लो एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स, तो एक्स पे डिपेंडेंट है, आप जीरो से कर लो, जीरो से लेके मान लो थ्री तक कर लो, तो लोअर लिमिट जब कुछ करोगे तो जीरो हो जाएगा पूरा मामला, एल्जेब्रिक के साथ दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन ई का पावर फंक्शन आ गया या फिर आपका लॉग आ गया तो वहां पर जरा सोच समझ, वहां पर प्रॉपर सिस्टमेटिक चलना, एक एक स्टेप लिख लेना, माइनस दो लिमिट भी लगाकर देख लेना क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो नहीं आएगा यार, ई की पावर जीरो, समथिंग की पावर जीरो, ई क्या होता है, ई बताया था 2.7 कुछ होता है, 2.7 आगे 0.71 होता है, 0.73 होता है, और आगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नंबर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इतना तो हो गया, यस सर, है ना, डेफिनेट की बात हो गई, ए के अंडर सर्फ आ जाते हैं। चलो अरे यार ऐसा भी होता है क्या, मैंने एक बात में एडमिट कर दिया तो दोबारा तुम जब आओगे तो खुद से एडमिट हो जाते हो क्या? नहीं सर। अच्छा ना, बेबी को 13 बच्चे दिखा रहा था, फिर आई 14 हो गए अपने आप ही, मैंने तो एडमिट भी नहीं किया किसी, पता नहीं। अच्छा इधर वाला हो गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। चलो ये भी क्यों ना मान लिया जाए, लेट अस अस्यूम हम जब कर ही रहे हैं तो ये भी हो गया, मिटा दो इसको, कर रहे हो गया? हाँ हाँ सर हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं, एरिया अंडर कर, एरिया अंडर कर,
ठीक है। तो कर्व के अंदर का एरिया क्या होता है, बेसिकली आपने कोई फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है, उसका कोई ग्राफ है, ये कुछ भी हो सकता है भाई। अगर लीनियर फंक्शन होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्वाड्रेटिक होगा तो आपको पता ये यू शेप का आता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्यूबिक होगा तो थोड़ा घूमता है, क्या वो उसके आगे मैथ की कहानी है, बनाने को मैं ही बता सकता हूँ लेकिन मेरे को भी पता है हो सकता होता है, मेरे को साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स ई पावर एक्स सब आता है, ग्राफ है मेरे पर भी। अब आया एक बार आप आई टी के लिए तैयारी तो करके देखो, आप ग्राफ बनाना कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते, ऊपर से मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरे को तो पता ही रहता है, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है और मेरा टाइम वेस्ट होगा, तुम वैसे ही पीछे लो काइनेमेटिक्स पढ़ लिया हमने, तो आप इन जनरल मान लो कोई भी जनरल फंक्शन का कर्व दिए थे, तो जब आप इंटीग्रेट करते हो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, तो ये कर्व ये एरिया निकल जाता है आपका, ये एरिया निकल जाता है, यानी बेसिकली अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में a से लेके b तक, अगर इसका एरिया a है, अगर इसका एरिया a है तो ये a के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ये एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर कर्व होता है, सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज? आ रही है, अभी आ रही है। हाँ सर अभी। या तो पीछे में बोला ही नहीं था तो आवाज कहाँ से आएगी? भाई कमरे में मंदू है, 3-4 दिन से, 4-5 दिन से पानी। हाँ अपने कमरे में बंद हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, अपने को इतनी यहाँ दिक्कत तो नहीं हो रही है, मैं घर में बाकी में उनको दिक्कत ना हो करके कोशिश कर रहा हूँ कमरे में ही रहूँ, गर्म पानी मंगवा लेता हूँ, सूप मंगा दिए, बस गर्म पानी गिलास में और सूप डालो, बस उठते हैं। अरे यार कितने रूम्स हैं सर? अरे घर में हूँ, घर में जितने रूम होते हैं 4 यहाँ है 3 ऊपर है, रेंट पे लगाए हुए। वो ये गर्म पानी आप कुछ मतलब हॉट चीज देते रहो तो कफ आराम मिलता है, और कुछ नहीं है। हाँ भाई देखो ये होता है इसका मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, लेकिन दिक्कत क्या है इंटीग्रेशन के साथ, अभी आपको देखो यार एरिया अंडर कर्व तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये आप कर लोगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दे दूं, इस पर सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं साथ में अगर आपको दे देता हूँ कि एग्जांपल है, एग्जाम्पल के लिए फिर वही हो जाता है ना, कर्व की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कर्व की नॉलेज होनी चाहिए कि y is equal to x square आपको कर रखा है, find area under curve from x is equal to 0 to x is equal to 2 बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे। लेकिन अगर आपको कर्व का ही मालूम नहीं है मत लिखना उसको, अभी मत लिखना ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखो यहाँ पर नोट करके लिखना, गया नोट, आ गया नोट, देखो होता क्या है बेसिकली आपको बता देता हूँ, मान लो ये है स्ट्रेट लाइन, यहां से कर्व ऐसा है यहां तक, फिर कर्व ऐसे जा रहा है,
ये है आपका ऐसा फंक्शन है, यहां से गया यहां से गया यहां से स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। बहुत ही उटपटांग फंक्शन होगा, बहुत अजीब सा फंक्शन होगा, किसी फंक्शन रेगुलर फंक्शन का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। तो आपसे एजेंडा कर पूछा है, अगर इस एरिया को थोड़ी देर के लिए मैं ए वन मान लू, इसको ए टू मान लू, इसको ए थ्री मान लू, ये x इक्वल टू जीरो आप जानते हो, x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, ये x इक्वल टू सी मान लो। तो जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं जीरो से लेके ए तक तो वो ए वन देगा, अगर उसको इंटीग्रेट करता हूं, अगर उसको इंटीग्रेट करता हूं फंक्शन को ए से लेके बी तक, जब वो इंटीग्रेशन करेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप इंटीग्रेशन जब करते हो ना आप क्या करते हो, वाई डी एक्स क्या था कुछ आपको, जब आपको इंटीग्रेशन किया था वाई ही आपका एफ एक्स बनता है ना, वाई ही आपका एफ एक्स बनता है, वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है कि नहीं है, इंटीग्रेशन हाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू वो नेगेटिव देगा, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो या तो आप एक काम करो, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसका आगे नेगेटिव लगा लो, तो नेगेटिव ऑफ एरिया और इंटीग्रेशन भी नेगेटिव में आएगा, सेम देगा आपको कहानी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव निकल जाएगा और एरिया होता है पॉजिटिव। तो अगर आपको इसको इससे बैलेंस करना है तो एक एक चीज की जरूरत है, एक देखो तो माइनस साइन आना चाहिए, इंटीग्रेशन नेगेटिव है या तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा और एरिया पॉजिटिव होता है, या फिर एरिया के आगे नेगेटिव लगा दू तो भी काम बन जाएगा, एरिया के आगे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव ऑफ मान लो एरिया है इसका 50 तो माइनस 50 और इंटीग्रेशन तो माइनस 50 आने ही वाला है, आई बात सुन, इंटीग्रेशन तो माइनस का ही आने वाला है, माइनस 50 आने वाला है, एरिया आपका प्लस का ही होता है, एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए आप माइनस साइन लगा देते हो ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। जो हो गया फिर बी से सी करोगे तो क्या आएगा, बी से सी इंटीग्रेट करोगे तो प्लस का ए थ्री। तो मैं आपको सबसे बेहतरीन बताता हूँ, लास्ट चीज बताता हूँ, अगर आप जीरो से लेके सी तक करोगे, जीरो से लेके सी तक इंटीग्रेट करोगे ना, तो यहां से यहां तक क्या, यहां से यहां तक क्या, यहां से यहां तक क्या, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करोगे ए वन, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक है, प्लस माइनस का ए टू आएगा, बताओ, क्योंकि अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ये पॉजिटिव देगा ये नेगेटिव देगा, एरिया आपने निकाल मान लो एरिया ए टू है तो उसका नेगेटिव लगा देना, प्लस ऊपर है तो ए थ्री निकल जाएगा, बस ऊपर है तो ए थ्री निकल जाएगा। अभी थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अप्लाई करेंगे हम काइनेमेटिक्स के लास्ट वाले ग्राफ वाले पार्ट में, प्रैक्टिकली उसके ग्राफ वाले पार्ट में, तो वहां पर एक दो क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था, क्योंकि वैसे टेंथ में आपने पढ़ा होगा एरिया अंडर वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, पढ़ा था क्या नाइन्थ में, एरिया अंडर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देता है, हाँ सर पढ़ा था, हाँ तो वहां काम वहां काम आएगा उत्तर, तो फिलहाल के लिए देख लो इसको लिख लो, ठीक है, तो इसमें ग्राफ की नॉलेज होती है, जब तक आपको ग्राफ नहीं पता ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है तो आप दिक्कत में आ जाओगे।
हो गया इतना, तो एक काम करते हैं, तो मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया कि एरिया का कर्व के बीच का निकालना है, तो ऐसे ऐसे करके ये होता है, ठीक है। उसका थोरो वर्जन, उसका डिटेल्ड वर्जन ये है, क्या क्या एक्सेप्शन आ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो आंसर ये आएगा a1 - a2 + a3। तो आपको क्या करना, अगर पूरा एरिया निकालना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट, ठीक है। जो नेगेटिव में इंटीग्रेशन आया, इतना इंटीग्रेशन को मॉड, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, खाली बस पॉजिटिव वैल्यू लेना, इतने इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा पक्का है। इंटीग्रेशन याद रखो, इंटीग्रेशन पॉजिटिव, इंटीग्रेशन नेगेटिव, इंटीग्रेशन पॉजिटिव, इंटीग्रेशन पॉजिटिव, ठीक है, एरिया भी पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन नेगेटिव लेकिन एरिया पॉजिटिव होता है, इंटीग्रेशन नेगेटिव है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, खाली उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लो, वो भी काम बन जाएगा, तो ए टू आ जाएगा। या फिर क्या करो, इंटीग्रेशन जो है माइनस साइन लगा दो, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन होकर नेगेटिव आने वाला है, तो आपने माइनस साइन लगा दिया, ठीक है ना। या तो आप माइनस साइन लगा दो, इंटीग्रेशन पर माइनस साइन लगाओ, ये वाला माइनस इधर भेज दो, ए टू आ गया आपका, ए थ्री क्या हो गया। अच्छा मान लो अब उल्टा, इस बार एरिया दे रखा है इंटीग्रेशन निकालना है, एरिया दे रखा है इंटीग्रेशन निकालना है, यहां से यहां तक एरिया भी सेम, इंटीग्रेशन भी सेम, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन नेगेटिव, एरिया पॉजिटिव। तो जब आप पूरा इंटीग्रेट कर रहे हो यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से तो जो भी एरिया आएगा उसके नेगेटिव लगा देने का, तो फिर इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। इससे आगे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए थ्री कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। एरिया से इंटीग्रेशन पर जाना या इंटीग्रेशन से एरिया पाना, बस दो ही चीजें। इंटीग्रेशन से एरिया पाते हो अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मान लो ऊपर वाले की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है 40, एरिया की इसकी वैल्यू है 30। इंटीग्रेशन क्या देगा, fx dx, इंटीग्रेशन fx dx 0 से लेकर c तक क्या देगा, 50 - 40, 50 - 40 + 30 देगा वो, ठीक है, वो आंसर ये देगा, उसका आंसर आएगा कितना, 40 आ जाएगा निकल के कुल मिला के, इंटीग्रेशन अगर आप करोगे। लेकिन अगर एरिया फाइंड आउट करना है आपको, तो यार दूसरे वाले इंटीग्रेशन में ए से बी वाले में मॉड लगाना पड़ेगा, या माइनस साइन लगा दो, ताकि ये प्लस का बन जाए, तो एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी एक काम कर लो, यहाँ पर चाहे तो लिख लो, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए एफ एक्स डीएक्स 0 से ए प्लस एफ एक्स डीएक्स ए से बी, ठीक है, प्लस एफ एक्स डीएक्स बी से सी। हाँ विष्णु, क्या गलती हो गई बताओ, अगर एरिया निकालना है तो ये लिखा है, इसमें गलती क्या हो गई, मॉड की दिक्कत होगी, मॉड की दिक्कत या फिर माइनस साइन की दिक्कत। चलो अगर प्लस लिख लो तो इसका मॉड ले लेना, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन नेगेटिव आने वाला है, तो इसको ही पॉजिटिव कर देना, ये तो प्लस का आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव आएगा नीचे है, तो इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, इसको पॉजिटिव कर लेना, और ये तो पॉजिटिव आएगा ही, बस ऐसे करके कर लेना। या फिर मॉड नहीं लगाना चाहते तो माइनस साइन लगा देना, तो भी काम बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बना देगा आपका। आकांक्षा समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। लिख लो,
चलो देखो आपको कर बताता हूँ, है ना, एक अंदर कर का थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ गया अपने को, लेकिन उसके लिए पहले कर पता होना चाहिए, कर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो उसमें अब कर्व की बातें आ जाती है, कर्व की बातें आती है, उसमें सबसे पहले हमेशा आता है स्ट्रेट लाइन। चलो देखो स्ट्रेट लाइन की कहानी क्या है, ठीक है, वेक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वेक्टर तो वैसे खाली पैरेललोग्राम लॉ ही बताया है, कुछ क्वेश्चन कर लेना भाई घर जाके, कुछ थोड़े बहुत पैरेललोग्राम लॉ का थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेना, एटलीस्ट रिवाइज कर लेना। देखो चलो अगला क्या आता है आपका कर्व, कर्व की बातें कर लो, ग्राफ, ग्राफ बोलते हैं इसको, ग्राफ, ग्राफ में बातें कर लेते हैं। ग्राफ में सबसे पहले देखो ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, हर किसी का ग्राफ निकल के आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, y प्रोपोर्शनल टू x होगा, y x से प्रोपोर्शनल होगा, यानी y इज इक्वल टू, वैसे तो अब यहां पर हम mx प्लस c लगा देते हैं, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाती है, बहुत सारी होती है, ठीक है, हम इस पर काम करेंगे मैथमेटिक्स में, और भी काम होंगे मैथमेटिक्स में, और भी काम होंगे, ठीक है, मेरे को भी अच्छी लगती है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सभी को अच्छी लगती है यार, इंजीनियर बनने यारों को पढ़ाने को तो ये भी थोड़ा बहुत पढ़ाने में डेप्थ में जाने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैसे लैग कर रहे हैं आपका बैच, तो अपने को ठीक है, अपने को एक लाइन ये पता होनी चाहिए, या फिर और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये जनरल इक्वेशन है, इसको भी कर लोगे ना, इसको बताओ y इज इक्वल टू कितना होना हो गया, पी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए बाय सी प्लस माइनस सी बाय ए, बताओ, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा ना, ये m बना होगा इतना, c बना होगा इतना, इसका c अलग है, इसका c अलग है, दोनों का c अलग अलग है, यानी कहने का मतलब क्या है, x की भी पावर 1 चाहिए और y की भी पावर 1 चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट, ये सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट वही बता दूंगा, लेकिन कुल मिला के वाई की पावर वन होनी चाहिए, वाई की पावर वन बाई टू काम नहीं करेगा, वन बाई थ्री काम नहीं करेगा, थ्री टू कुछ काम नहीं करेगा, वाई का अगर कोई डिनोमिनेटर में सी और ए क्यों लिखा बताओ, सी बाय कुछ गड़बड़ कर दिया बी, अब सही है, अभी सही है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये सिनेरियो आ जाएगा आपका, तो इसको खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए x की पावर वन, x की पावर वन और y की पावर वन, बस ये याद रखना, बाकी कैसे भी रिलेटेड हो पावर और कुछ नहीं आनी चाहिए, तब तक वो स्ट्रेट लाइन का है, तब तक जब तक ऐसा है तब तक ये स्ट्रेट लाइन है, जब तक ये ऐसा है सिंगल पावर में, तो वो सिंगल पावर है ना, तो फॉर्म तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आप सिंपल ये याद रखना कि एक्स की सिंगल पावर वाई की सिंगल पावर में अगर कोई चीज रिलेट हो रही है तो स्ट्रेट लाइन है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमेशा आपको चाहिए दो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमेशा आपको चाहिए होते हैं दो पॉइंट, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में
एम को बुलाता है स्लोप, एम को बुलाता है स्लोप, स्लोप के बारे में जानकारी दे रही है। सी को बुलाता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप क्या होता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, मान लो स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे करके जा रही है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके जा रही है। एक काम करते हैं और बेटर बनाते हैं इसको, बेटर क्यों, ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा और सही सा बता सकूं। इसको सी, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y में कितना कट कर रहा है, ऊपर से जा रहा है तो प्लस का, अगर नीचे से कट करेगा तो नेगेटिव का। एंगल, एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा मेजर करता हूं तो m होता है आपका tan थीटा, m होता है आपका tan थीटा, ठीक है। याद रखना फ्रॉम थीटा इज मेजर्ड, मेजर्ड फ्रॉम, measured from positive direction of x-axis, from positive direction of x-axis, in anti-clockwise, in anti-clockwise sense, चाहे तो इसे क्या बना लेना, in sense, ठीक है, इस sense में measure करते हो आप, ये निकल के आ गया आपका। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सिक्स। अब इसका ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब यहां से तो जा रहा है, और स्लोप भी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब ये होगा ऐसा कि भाई ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये लोकेशन भी आप निकाल सकते हो, ये लोकेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ये पर्टिकुलर लोकेशन निकालने के लिए y को जीरो पुट कर दो, y को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का टू, x की वैल्यू आएगी माइनस का टू, क्योंकि ये पॉइंट है x एक्सिस में और x एक्सिस में y की वैल्यू होती है जीरो, तो ये पॉइंट आ गया आपका माइनस टू कॉमा जीरो, और इसकी तो मैं कहानी डायरेक्ट बता सकता हूँ, ये सिक्स जीरो कॉमा सिक्स होगा बस। और ये भी देख लो, अगर इसको थीटा मान तो टेन थीटा कितना आ रहा है, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना है, ये कितना है ऊपर को वर्टिकल, वर्टिकल है, हाँ ना, वर्टिकल ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, ये कितना है डिस्टेंस, छ, ये छ है, ये कितना है आपका, ये डिस्टेंस टू, तो टेन थीटा देखो थ्री आ गया, ठीक है, स्लोप भी तो उसकी आया है इसका, ठीक है ना, स्लोप का थ्री आना, इसका थ्री आना, बात एक ही है। देखो यार स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना बहुत आसान है, दो पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ, एक्स को जीरो रखो, वाई कितना है, वो पॉइंट निकल जाएगा। एक्स को जीरो रखो मतलब आप वाई कोऑर्डिनेट जान, वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, एक्स को जीरो रखोगे, एक्स को जीरो रखो, वाई सिक्स आ गया, यानी ये पॉइंट मिल गया आपको। अगली बार वाई को जीरो रखो, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू, ये पॉइंट मिल गया दोनों को, माइनस टू नहीं लगेंगे, लगाएंगे हम लोग वहां पर किसको, तो टेन थीटा की वैल्यू आपने जब निकाली तब क्या माइनस टू थोड़ा ना लिखोगे, टेन थीटा तो डिस्टेंस होता है ना, टेन थीटा में परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज खत्म करो, एंगल क्या है, एक्यूट एंगल तो है, पॉजिटिव तो रहेगा, ओके सर, ठीक है ना, पॉजिटिव रहेगा, इधर वाला लिख लिया क्या, इधर वाला, हाँ सर, तो मैं स्ट्रेट लाइन तक ही पढ़ाने की सोच रहा हूँ यार, स्ट्रेट लाइन तक ही पढ़ाऊँ कल, बाकी सर से कहना सर ग्राफ में जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बता दो, और तो मंडे को जो बैकअप लेक्चर है वो कौन लेगा, वो दूसरे सर लेंगे सर, उनको उसमें लगा हुआ है, पता नहीं अभी रीशेड्यूल होके मेरे उसमें आ जाएगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन वो दूसरे सर का लगा हुआ है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान दो तुम्हें, ज्ञान मिल रहा है हमको, मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, दूसरे सर भी ज्ञान ही देंगे, जेपिन सर भी ज्ञान ही देंगे, ज्ञान मिल रहा है, बस ध्यान बढ़ो, फैकल्टी पे डिपेंड मत करो, अब फैकल्टी
आपके सक्सेस में फैकल्टी का रोल होना चाहिए 5 to 10%। 90% आ रहा आपको, आपकी मेहनत है, पॉजिटिव रहो, ठीक है, जो मिल रहा है सीखो। और रेजिडेंस में एक अच्छी बात है, फैकल्टी मतलब जनरली जो कल्चर है रेजिडेंस का, मतलब पहले तो अच्छा, बहुत अच्छा था, जो अपन था मतलब नया नया आया था, 2014 पास आउट 15 में मैं जेपीएन सर से ही पूछता था, तो मैं जेपीएन सर से कोई मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं कोटा में सॉल्व तो कर रखे थे प्रॉब्लम, बहुत सारी करी थी सॉल्व, देखो बहुत ज़्यादा ट्रिकी प्रॉब्लम आ गई, उसने पूछ दी करोड़ों की, पूछ दी करोड़ों की, वो तगड़ी प्रश्न डिस्कशन बहुत फ्री होता था फैकल्टी के साथ, दूसरे फैकल्टी के साथ, सर ये बताओ सर ये कैसे करना है ये वगैरह, तो डिस्कशन अच्छा होता था। जी डी सर थे तब, एच ओ डी कोई और थे, तो डिस्कशन बहुत अच्छा, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट था। अभी भी वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है, जो नए फैकल्टी आएंगे ठीक है, मेरे को अभी भी कोई दिक्कत आएगी, मेरे को अभी कोई, अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचो, कोई 12th तो कोई तेज बच्चा हो, क्योंकि यार आप मुंबई से रेजिडेंस ने अच्छी रैंक दे रखी है, आप 100 के अंदर भी दे रखी है, 100 के अंदर 50 के अंदर दे रखी है, 10 के अंदर भी दे रखी है पहले रैंक, तो अभी इतना तेज बच्चा होगा, मान लो मेरे बैच में, अब अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी आप 33 कर ले रहे हो बहुत बढ़िया, आपके स्लो स्पीड लग रही होगी, आप अपना काम करते जाओ। अब याद रखना मॉड्यूल आपकी जो शीट है वो टीपीपी प्रीवियस ईयर बड़े सफिशिएंट है, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, बस दिमाग लगाते रहना, रेफर नहीं आ रहा फैकल्टी से पूछना, ठीक है, नहीं आएगा मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं यार अपने सीनियर से पूछ लूँगा, मैं जेपीएन से पूछ लूँगा, जेपीएन से कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके यहाँ डिस्कशन हो जाएगा सर ये ऐसा हो रहा है, कभी वो भी डिस्कस करते हैं, सीनियर भी फैकल्टी डिस्कस करते हैं हमारे साथ, तो एक कोई अच्छी प्रॉब्लम होती है तो बीच में रखा जाता है उसको, हम भी डिस्कस करते हैं, सर कुछ थोड़ा है, आईआईटी का जब आता है पेपर आता है, कोई आता है कि यार इसमें ये इसमें गलत, अब आईआईटी में आपको क्या लगता है आईआईटी प्रॉब्लम्स में एक आधे कोई डाउट क्यों आते हैं, क्योंकि किसी फैकल्टी का सोचना होता है यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो जो बोनस मिलते हैं बोनस इसलिए मिलते हैं, अरे बच्चों को इसको थोड़ी ना देता हूँ, वो फैकल्टी जब सॉल्व कर रहा होता है, जो कोचिंग के फैकल्टी में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लगता है यार इसमें ये चीज़ मिसिंग है, या फिर ये ऐसा भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, फिर उसको उस जो भी हमारी दिक्कत है उसको फिर हम फेस करते हैं किसी स्टूडेंट के थ्रू, तो फिर उसको बोनस वोनस मिलता है कि मतलब फिर सभी को मिलता है वो बोनस, तो खैर वो क्वेश्चन को बोनस कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे फैकल्टी आएंगे उनसे बोलना, बस उनसे अगर पढ़ाएंगे, आज मैं स्ट्रेट लाइन करा देता हूँ सर, कर्व में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कर्व बनाना सिखा दो, और एरिया अंडर करके दो चार क्वेश्चन करा दो, बस एरिया अंडर करके दो चार क्वेश्चन करा दो, ठीक है, तो कल 1.5 घंटे का लगा हुआ है लेक्चर, पढ़ाएंगे तो उनसे करवा देना, ठीक है, बाकी मेन बैच तो मैं ले रहा हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक ही लेक्चर की तो बात है। देखो चलो ठीक है, अच्छा स्ट्रेट लाइन की, ये जो स्ट्रेट लाइन खींच तो ली है, स्ट्रेट लाइन की लिमिट क्या है बताओ, कहाँ पर जाके रुकेगी, मतलब आगे कहाँ जाके रुकेगी, कहीं रुकेगी क्या, इन्फिनिटी भागते जाएगी यार, एक्स बढ़ाते जाओ, एक्स को बढ़ाते जाओ वाई भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, एक्स बढ़ाते जाओ वाई बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ाया वाई बढ़ा, एक्स बढ़ा वाई बढ़ा, यार एक्स को कहीं, एक्स कहाँ से, इनपुट क्या कर सकते, इनपुट आपके मन में है, इनपुट आपके मन में, आउटपुट क्या आता है, इनपुट तो आप इन्फिनिटी तक मार दोगे, आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना, तो वो ये है यार, बढ़ाते जाओ बढ़ते जाओ, क्योंकि जिससे आपसे इसका जो नेचर दिख रहा है वो ये है आपका, कि भाई वाई भाग लाओ, देखो उत्तर उत्तर फटाफट बताओ, इसका ग्राफ बताओ जल्दी से, 2y = 4x - 3 फटाफट बताओ, -8 इसका ग्राफ बताओ, तीसरा y = x का बताओ, चौथा y = -x का बताओ, पांचवा x = y = 5 का बताओ, x = -2 का बताओ, सातवा x = 3 का बताओ, आठवा x = -1 का बताओ, x = 3y - 3 का बताओ,
इतने के बताओ कम से कम, ठीक है? आप पर एग्जैक्टली यहाँ भी कितना हो रहा है, 8:08, 8:15 से मैं बताना चालू करूंगा, आपका 7 मिनट है। ऊपर से जो जो कर्व आपसे बनता है, इनफैक्ट का आप एक और लिखिए, y is equal to x हो जाएगा वैसे तो। 7 मिनट बाद में बताना चालू कर दूंगा ऊपर, ठीक है? बनाते जाओ। सर बस ऐसे ग्राफ निकालना है, ऐसे पॉइंट्स नहीं निकालने ना उसके। डन सर।
इसका हो गया भाई विष्णु सर केतन विष्णु हो गया क्या पुराना मैसेज क्या अभी का चलो देखो देखो यार यही बेसिक क्वेश्चंस हैं आपकी स्ट्रेट लाइन में आपको थोड़ा बहुत जाननी है हर एक को कन्वर्ट करना चाहिए आपको फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो चलो देखो पहली क्वेश्चन थोड़ी सी बेवकूफ बना रही है टू से सब कैंसिल हो जाएंगे टू का फैक्टर कॉमन ले लो दोनों साइड से टू कॉमन ले लोगे दोनों साइड से टू कॉमन ले लोगे तो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर है ध्यान से देखो एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है स्लोप है टू पॉजिटिव है इंटरसेप्ट नेगेटिव मैं बता सकता हूँ इसका कर्व स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव मतलब ये वाला ये माइनस का फोर होगा माइनस फोर यानी ये एक्स की वैल्यू जीरो कॉमा माइनस फोर आएगा ये वाला चीज आई होगी थीटा का मानता हूँ टेन थीटा की वैल्यू ये कोऑर्डिनेट निकालने के दो तरीके हैं ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा तो टेन थीटा लगाओ आ जाएंगे नहीं तो ये कोऑर्डिनेट निकालने का एक और तरीका है वाई को जीरो कर लो ये ग्राफ तो देखो ये ग्राफ में यहाँ पर इस पॉइंट निकालना है इस पॉइंट पर क्या होगा वाई की वैल्यू कन्फर्म है जीरो करो y की जीरो करोगे तो x की वैल्यू टू आ जाएगी तो ये आपका टू कॉमा जीरो का ग्राफ होगा बताओ अच्छा नेगेटिव स्लोप कब आएगा मान लो लाइन ऐसी होगी क्या करना है एंगल कहाँ से मेजर करना होता है ये वाला एंगल नहीं होगा ये गलत हो जाएगा एंगल मेजर होगा यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल सही है ये होगा इसमें ये आपका थीटा होगा ये थीटा है 90 से बड़ा यानी टेन थीटा हो जाएगा टेन थीटा आएगा नेगेटिव टेन थीटा आएगा नेगेटिव ठीक है टेन थीटा नेगेटिव यानी स्लोप नेगेटिव आ जाएगा आपका समझ में आती बात अभी ऐसी लाइन आई तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा अच्छा अगर ऐसी लाइन आ गई वर्टिकल तो स्लोप नॉट डिफाइंड बिल्कुल वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा स्लोप नॉट डिफाइंड मतलब m की वैल्यू अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की देखो अगर स्लोप जीरो हुआ अगर m जीरो हुआ तो y is equal to c की फॉर्म मिलेगी मतलब 5 6 7 8 चारों भी नॉट डिफाइंड है y is equal to c की फॉर्म मिलेगी यानी इस फॉर्म के क्वेश्चंस ये हैं और ये ठीक है अगर m की वैल्यू इंफिनिटी हो गई तो हम ऐसे नहीं देखेंगे उसको m अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है मान लो m अगर इंफिनिटी आ गया नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी y upon m is equal to x plus c upon m ठीक है तो इस तरीके से आएगा आपका अब देखो क्या है कि हम इसको तो कर देते हैं जीरो इसको तो हम हटा देते हैं भाई समथिंग अपॉन इनफिनिटी जीरो होता है y कितना भी बदलते जाए और दूसरा कांस्टेंट क्या है समथिंग अपॉन इनफिनिटी ये तो वेरिएबल है इसको अभी भी c मान के चलते इसको हम अभी भी देख लेते हैं कि भाई ये इस फॉर्म का हो सकता है भाई m को इन्फिनिटी कर लिया ये चीज जीरो आ गई ये भी जीरो आनी चाहिए ठीक है लेकिन जरूर थोड़ी ना अगर मान लो इन्फिनिटी समझते हो ना बहुत बड़ा नंबर डिफाइंड ही नहीं है मान लो आपने आप एलकेजी कहीं हो 10th तक पढ़ा हुआ है आपने आपके लिए तो यार 1 लाख बहुत ज्यादा नॉट डिफाइंड होगा ठीक है ना बहुत बड़ा नंबर है लेकिन मान लो कि आप 99,000 को
लेग से डिवाइड करते हो, कुछ तो कॉन्स्टेंट निकल के आ सकता है, पॉसिबिलिटी है यार, ठीक है ना। तो हम इसको जीरो मान लेते हैं, इसको तो जीरो मान लेते हैं y अपॉन m को, तो बेसिकली इसको जीरो मान लिया तो ये हो जाएगा x प्लस कोई नया कांस्टेंट, x प्लस कोई नया कांस्टेंट। अच्छा ये वाली कहानी क्या है, ये वाली कहानी काम आ रही है इन दोनों में, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसकी कहानी होगी वैसे कुछ इसकी भी कहानी होगी, ठीक है। कैसी आई कहानी हम देखते हैं इसको, ऊपर वाला सेकंड वाला आगे सबको समझ में। यस सर, दिक्कत तो नहीं किसको, देखो यार सेकंड वाले में अगर किसको दिक्कत नहीं है तो एक काम करते हैं थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड तो यार y इक्वल टू x है, बहुत चीजें देखने की कंपेयर करोगे तो स्लोप m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 होने का मतलब है यहां से तो पास कर रहा है। इंटरसेप्ट 0 भाई, दूसरा स्लोप क्या है, स्लोप 1 है, पॉजिटिव है, 1 मैटर नहीं कर रहा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ऐसे रखे जाएगा, ठीक है। ये थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू 1 यानी थीटा 45 आया होगा, बताओ। दूसरा समझो ना, जितना x x को 2 पुट करोगे y की वैल्यू 2, x को 3 पुट करोगे y की वैल्यू 3, जितना ये जाएगा उतना ये जाएगा, जितना ये जाएगा उतना ये जाएगा, तो 1 ही आना है यार, ठीक है। तो y is equal to x line पे ये हो गई। अब अच्छा इसमें y is equal to minus x plot कर देता हूँ। चौथा थीटा 45 कैसे मालूम पड़ा? थीटा यार ये स्लोप कितना है? हाँ सर, हाँ सर, समझा ना, क्योंकि एंगल तो यही मेजर करोगे ना यार, एंगल तो यही मेजर होगा आपका, एंगल तो यही मेजरमेंट में आएगा ना। बता दो tan थीटा क्या होता है, स्लोप लोग कितना है, तो बताइए। y is equal to minus x देखते हैं, y is equal to minus x में क्या हो जाएगा, फिर से इस बार स्लोप माइनस वन है, c की वैल्यू 0 है। अगर आपने बहुत बढ़िया पढ़ा होगा tan थीटा की वैल्यू माइनस वन कब आती भाई, tan थीटा की वैल्यू माइनस वन 90 से ज्यादा होगा तो 180 पे, 180 पे 0 होती है, 135 इस नो का सही है। तो क्या होता है, क्या करो, बड़ा सिंपल बात बताता हूँ आपको। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 180 से, ये 180 वाला कौन बोल, अभी बोलने वाला कौन था, केतन। हाँ सर, एक बात बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री वाले पॉजिटिव रहते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री वाले पॉजिटिव रहते हैं, साइन कोसेक, साइन और कोसेक, ठीक है ना। Yes, sir. तो यानी अगर tan थीटा नेगेटिव दे रखा है, और थीटा नेगेटिव दे रखा है, cos थीटा नेगेटिव दे रखा है, sec थीटा नेगेटिव दे रखा है, तो दिक्कत है मतलब। सर वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज नहीं हुआ, पॉज हो गया क्या? नहीं। हाँ सर, अभी ठीक है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन और कोसेक के अलावा या कोसेक की तो बात ही नहीं होती, कोसेक और कोसेक, sec और cot, इन तीनों में तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि हम 90 माइनस थीटा और 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा ऐसे लगा लगा के sin थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे लिए मेन रहते हैं sin cos tan, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनली तीन है आपके, sin cos tan, बाकी ठीक है काम आएंगे, दो चार स्टेप छोटा कर लेंगे, लेकिन मेनली आप पहले उसमें देखो, पहले उसमें कमांड लिखाओ, sin cos tan, tan थीटा माइनस 1 पक्का है कि एंगल आपका 90 से बड़ा है। अच्छा एंगल कितना हो सकता है, एंगल हमेशा जब भी लाइन का आप मेजरमेंट करोगे तो एंगल 0 से लेके 180 हो सकता है, 180 से ज्यादा थोड़ा ना होगा, अभी 45 है, बढ़ाते जाओ 90 हुआ, बढ़ाते जाओ 145 हुआ, बढ़ाते जाओ 180, लेकिन फिर घुमाओगे तो एंगल तो ये वाला आएगा ना, फिर ये थोड़ा ना मेजर करोगे इतना बड़ा लाइन, तो लाइन ऑफ अ एंगल या फिर एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, 180 तक हो सकता है मैक्सिमम, 180 से ज्यादा नीचे जाओगे तो आप ये वाला एंगल मेजर करोगे, ये वाला,
बड़ा वाला एंगल थोड़ा ना मेजर करोगे, ठीक है, लाइन का एंगल भी इतना रहता है। तो यहाँ तो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, स्लोप का पॉजिटिव होना मतलब एंगल जीरो से लेके टेन थीटा पॉजिटिव कब रहता है, जीरो से नाइनटी, तो नाइनटी से 180 में नेगेटिव आएगा। तो उसमें क्या करना होगा, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज है, टेन थीटा को वन मान लो, माइनस वन, वन मानोगे तो एंगल कितना आता है, वन कब आता है 45 पर, तो बस 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो और कुछ नहीं है, 180 से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो 135, खत्म बात, ठीक है ना। चाहे ये कॉस की बात हो, चाहे ये मतलब कॉस और टेन की बात हो। अच्छा मान लो अगर रूट थ्री बाई टू है, मान लो ये रूट थ्री बाई टू है और ये है आपका साइन थीटा। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ आपको, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, दो चांसेस है, पहले क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। मान लो अगर एक नेगेटिव होता तो तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट दोनों आते, पहले दो में तो नहीं आ सकता, या तो 60 होता या फिर 180 माइनस 60 होता, समझ आई बात, या तो 60 होता या तो 180 माइनस 60 होता, यानी 120 होता। तो बेसिकली वही चलता है यहां पर, साहब टेन थीटा आपका माइनस वन दिया था, आपको पता है पक्का है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप माइनस टेन को गैप करो, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालो जो एंगल आ रहा है, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा मान लो प्लस वन है, प्लस वन के, हाँ का अनुसार बताओ, प्लस वन के, प्लस वन टेन थीटा प्लस वन है तो मतलब एंगल कितना आएगा, आकांक्षा गायब, श्रुति, हाँ सर, एंगल कितना निकल के आएगा अगर टेन थीटा वन है तो, 45। और क्या हो सकता है दूसरा, कहां पर आएगा एंगल, जूबिया, दूसरा एंगल कहां निकल के आएगा, दूसरा एंगल कहां निकल के आएगा, अगर टेन थीटा वन है तो थीटा 45 है, ठीक है, दूसरा एंगल और कौन सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है दूसरा एंगल की, क्या पॉसिबिलिटी है दूसरा एंगल कौन सा आएगा, 225। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा दूसरा एंगल, जब भी आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड एंगल आएगा, तो ये टेन थीटा पॉजिटिव यार कहाँ हो सकता है, तो फर्स्ट में हो सकता है या फिर आपका इतने में हो सकता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहां पर 180 प्लस माइनस की हिसाब किताब चलता है, तो अगर माइनस वन है तो पक्का पता है 45 तो है, लेकिन 180 प्लस है कि 180 माइनस है, ठीक है, या फिर जीरो प्लस है कि जीरो माइनस है, तो माइनस वन की दो कहानी है, या तो 180 माइनस बोल दो या फिर जीरो माइनस भी बोल सकते हो आप, जीरो माइनस में माइनस 45 आ जाएगा, माइनस 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 315, ठीक है, या तो वहां आ जाएगा, तो यार वो ट्रिग्नोमेट्री कहानी है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये और टेन थीटा, अगर ये वाली कहानी समझ में आई कि नहीं, नेगेटिव कब आएगा, जब ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव निकल के आएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है ना, दिख रहा होगा स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, चाहे यहां रखूं चाहे यहां रखूं, अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप जीरो, एंगल आने लग गया तो स्लोप पॉजिटिव, एंगल 90 नॉट डिफाइंड, एंगल 90 से बढ़ा हुआ ऐसे हुआ, लाइन देख लो यार हाथ कहां देखना चाहूंगा, एंगल देखो 90 से बड़ा हुआ तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव, तो भाई ऐसा हो गया, एक दो तीन कहानी लगती, वाई इज इक्वल टू फाइव बताओ भाई, वाई इज इक्वल टू फाइव की लाइन कैसे, अच्छा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बचा है अभी, देखो वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसा था, वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसा था, y इक्वल टू एक्स था, y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा है, जाएंगे दोनों ओरिजिन से, ओरिजिन से जाएंगे, या y इक्वल टू एक्स की लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स, x को वन पुट करो y की वैल्यू माइनस वन, x को वन पुट करो y की वैल्यू माइनस वन, x को टू पुट करो y की वैल्यू माइनस टू,
x को माइनस वन पुट करोगे y की वैल्यू प्लस का टू तो ऐसे चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। सी तो जुड़ी है ऑलरेडी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू फाइव, y इज इक्वल टू टू माइनस टू, इसको हैंडल करते हैं। देखो यार y इक्वल टू फाइव का भी ऐसा होता ना, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y की वैल्यू फाइव रखना, ये हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, तो x y की वैल्यू फाइव रखना मतलब ये वाली लाइन होगी, करके देख लो y इक्वल टू फाइव की लाइन है, मतलब x से मैटर कुछ नहीं कर रहा, x आप जीरो रखो तो भी फाइव मिलेगा, x आप वन रखो तो भी फाइव मिलेगा, x पर डिपेंडेंट ही नहीं है, y फाइव है बस, कहानी खत्म। y की वैल्यू फाइव का मतलब ये हो गया आपका। चलो इसी में दो चार प्लॉट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस टू कहाँ आएगा, ये आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का टू यहाँ गई हो, ये जीरो कॉमा माइनस टू से जाएगी, ये जीरो कॉमा फाइव से जाएगी। अच्छा सेम तरीके से x इक्वल टू थ्री, x इक्वल टू थ्री का क्या मतलब है, x की वैल्यू का थ्री होना, खत्म बात, ये हो गई x इक्वल टू थ्री, ये कहाँ से आएगी, थ्री कॉमा जीरो से आएगी। x इक्वल टू माइनस वन मतलब ये हो गया, ये माइनस वन कॉमा जीरो से जाएगी, ये x इक्वल टू थ्री की माइनस वन की लाइन है, x इक्वल टू माइनस वन की लाइन है, इसको ड्रॉ कर लो। और नाइन्थ और टेंथ होता है बस, दो बच्चे हैं बस, दिमाग में प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई सुनिए, दिमाग में प्रेशर तो नहीं आ रहा, ज्यादा लोडिंग हो रही है। जुबिया ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ रहा दिमाग में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है, ठीक है ना, ये हमें जरूरत पड़ेगी। काइनेमेटिक्स सब एक्टिव इन मोशन चालू होगा आपका, वेक्टर में मेरे को परसों वाला लेक्चर मिस हो गया, मतलब ले नहीं पाया मैं, दो लेक्चर लगेंगे अभी, दो से तीन लेक्चर लग जाएंगे, तीन लेक्चर उसके बाद हम आ जाएंगे, फिजिक्स चालू होगी उसके बाद, मतलब बिल्कुल स्पीड स्लो स्लो तो नहीं लग रही, कहीं स्लो हो रही है क्या स्पीड? ठीक है ना यार, मेन चीज है समझ में आना चाहिए लोन्स का, यार लोन्स में बहुत आसाने को तो मैं तेज तेज भगा दूँ, लेकिन लोन्स का उसमें थोड़ा स्लो प्लाना पड़ता है, फिजिक्स को एटलीस्ट और मैथमेटिकल टूल से शुरू का फाउंडेशन यही चल रही, यार ये नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना हमें, एक दिन में कहोगे काइनेमेटिक्स पढ़ा दी आप, इरोडो का क्वेश्चन लेके आगे, फंडामेंटल इसलिए क्लियर होने चाहिए, इसलिए जरूरी है ये वाला मिटा दू, इधर वाला तो हो गया होगा। चलो भाई लास्ट के दो लाइनें बची हुई है बस, दो इक्वेशंस, लगा हुआ है सर का डेढ़ घंटा का लगा हुआ है,
दो घंटा होगा कर लेना सर, करवा दो करना सर, फ्रेंस करवा दो, मतलब सर को बस ये बताना है सर से कह देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर को बोलना बस इसका बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कहानी बता दो, इस इक्वेशन की कहानी बता दो, कब ऊपर वो खुलेगा क्या होगा, ठीक है ना। बाकी नहीं तो मैं एक काम करूंगा ना, इसको पहले करवा लेना, बाकी जब मैं ग्राफ बढ़ाऊंगा रेक्टिलिनियर मोशन में मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवाइज करा दूंगा, मतलब मैं 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा, फिर सर सर बताएंगे तो सर 15-20 मिनट लेके बता देंगे अच्छा कैसा होगा, ऊपर उखलेगा नीचे उखलेगा क्या होता है। अच्छा अगर जब बता ही दोगे सर फिर कह ही देना, मेरे ख्याल से अभी न्यू फैकल्टी हूँ तो उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी करवा लेना, साइन एक्स कॉस एक्स थोड़ा सा आइडिया लेना कि साइन एक्स का कर्व कैसा आएगा कॉस एक्स का कैसा आएगा, एटलीस्ट इन दोनों का तो ले लेना, ठीक है टेन एक्स का लेना होगा ले लेना आइडिया, इन तीनों का आइडिया ले ही लेना क्योंकि तो एजेंडा कर मैंने बताई दिया है सर से, मैंने क्वेश्चन करा दो सर बस क्वेश्चन और एक इसके लिए। चलो देखो y is equal to 3 ना x एक वो बना लिया क्वेश्चन है x is equal to 3y minus 3 ठीक है, या तो एक काम करो इसको फॉर्म में लेके आओ 3y की वैल्यू x plus 3 बताओ, y की वैल्यू 1 upon 3 x plus 1 और देखो जरा यहां तक समझ में आया होगा तो यार इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है मेरी बैटरी भी लो हो रही है ईयरफोन्स की, तो कह रहा है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो 0.1 स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे ही आएगा यार 1.0 से 0.1 से दो ही लाइनें जाएंगी, वैसे जा तो इन्फाइनाइट सकती है ऐसे ऐसे ही जाएंगी मैक्सिमम लाइंस, या फिर ऐसे ऐसे जाएंगी या फिर खड़ी जाएगी वर्टिकल जाएगी, स्लोप पॉजिटिव होना मतलब ऐसे ही जाएगी, ठीक है ऐसे बहुत सारी हो सकती है। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। ठीक है मेरे को एक ही में आ रही है, मैं एक को चार्जिंग पर लगाता हूँ, खत्म करते हैं इसको फटाफट। तो भाई ये हो गया ठीक है, या फिर एक काम करोगे यार आपको तो लाइन ड्रॉ करनी है पक्का पता है ना, ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? चेंज हो गया होगी? हाँ सर चेंज आ रही है आवाज, लेकिन आ रही है, आ रही है ना। तो एक काम करो x को 0 पुट करो y, y की वैल्यू कितनी आई, x को 0 पुट करो y की वैल्यू, y को 0 पुट करो x की वैल्यू बताओ फटाफट। हाँ भाई x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यस सर 1 x को y को 0 पुट करो -3 -1 कौन है -1 है आंसू आ गए मेरे आंखों में, मतलब इतना पड़ा गया मतलब, अरे भाई भाई को जीरो पुट करोगे एक्स वैल्यू माइनस थ्री ये पॉइंट होता ना, यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो होती है एक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस थ्री होती है, ये आ गया सर। और क्या जी कर मैं क्या जानना चाहता है, वो स्लोप जानना चाहता है, ये लो ये एंगल जानना चाह रहा है, मेरे को पता है ये एंगल की टेन थीटा की वैल्यू आपकी 1/3 होगी, चेक करना है कर लो भाई, अगर ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा ही होगा, इतना चेक कर लो ये कितना होगा टेन थीटा, ध्यान दो ये वैल्यू कितनी होगी 0.1 है मतलब ये 1 होगा 1, बेस कितना है बेस कितना है 3 1/3 डिस्टेंस से मैटर है, ये मत करना -3 पुट कर देना, देखो स्लोप समझ में आ रहा है ना, स्लोप पॉजिटिव है इसका, स्लोप पॉजिटिव है भले ही वो x में माइनस में कट कर रहा हो, ये भी स्लोप पॉजिटिव है, ये भी स्लोप पॉजिटिव की कहानी है। स्लोप नेगेटिव क्या होता है? स्लोप का नेगेटिव होना मतलब होता है ये स्लोप का नेगेटिव होना होता है, ये स्लोप का नेगेटिव होना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल आपका 90 से बड़ा आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव होता है। मैं टेंथ नहीं बता रहा हूँ यार, टेंथ हो जाएगा ना खुद से,
हो जाएगा। आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रही है। हाँ तो होगा ही, अब थोड़ा सा मेरी और बैटरी की दोनों की आवाज डाउन हो रही है अभी। अब सही आ रही है? अभी सही है? हाँ सर ठीक है। तो लास्ट वाला खुद से कर लोगे, y इक्वल टू x माइनस थ्री। ओके सर। y इक्वल टू x माइनस थ्री का मैं बता सकता हूँ, दो पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव ही आएगा, ऐसा करवाएगा, इस टाइप का आएगा। ये खुद से बता देना, ये कोऑर्डिनेट होंगे, ये कोऑर्डिनेट होंगे x y, 3, 0, 3, 0, और बॉटम वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -3। बताओ 0, -3। तो मैंने सारे कर्व बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन में दिक्कत नहीं है। पहले तो इक्वेशन को पहचानो, ठीक है? सिंगल पावर, दूसरी पावर जीरो, नीचे की पावर मतलब या तो गायब हो जाए। नीचे की पावर का मतलब ये नहीं कि हाफ हो जाए, नीचे का मतलब जीरो हो जाए, गायब हो जाए पूरा का पूरा, तो भी वो स्ट्रेट लाइन है। सिंपल एक में फंक्शन है तो भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब y इक्वल टू 5 है तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? x इक्वल टू समथिंग है, स्ट्रेट लाइन है, या फिर ऐसा है सिंगल पावर, इसकी भी पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन है। कम से कम आइडेंटिफाई करना सीखो कि इसका कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, उतना सीख लिया। फिर स्लोप लोप की कहानी हमने बात बात कर ली है, ठीक है ना? इस तरह सच से बोलना, ये बता दो प्लस 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 ये करवाना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जानकारी, ठीक है? इसका अलग से कर बतवा देना, और प्लस थोड़ा सा स्लोप के बारे में। देखो स्लोप का मैंने क्वेश्चन तो करा दिया है, स्लोप का क्वेश्चन करा दिया मैंने वैसे, लेकिन सबसे फिर से रिवाइज करवा देना, है ना यार? क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ी बहुत उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर बाद में वेक्टर को निपटाता हूँ, लेक्चर में वेक्टर निपटाता हूँ, फिर अपने आते हैं। फिर इसमें होता है, बहुत समय हो गया, सेप्टेम्बर खत्म ही हो गया, सेप्टेम्बर स्टार्ट हुआ है। ओके सर, सो दो आप बिलीव करना है? हाँ बिलीव कर सकते हो आप। हाँ एक्सरसाइज कर लेना, एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, मॉड्यूल वगैरह अगर आपको 1-2 मॉड्यूल वो आपने डीपीपी, ठीक है, जो 33 कर रहा है मैं उसके हिसाब से भी चल लूँगा। वो क्लास में डाउट पूछेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या है तो मैं बता दूंगा। मैं मैटर नहीं करूँ, मैं यही कहता यार, मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ डीपीपी करो इधर वो, मॉड्यूल कर लो बहुत है, मॉड्यूल कर लो, आपको बेसिक आना चाहिए, या फिजिक्स पढ़ लो या फिर मैथ पढ़ लो, तो एटलीस्ट मॉड्यूल पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया जितना दे रहा हूँ उतना तो कर लो। डीपीपी दूंगा डिस्कस करने के लिए, डीपीपी में मैं थोड़ा लीनियंट रहता हूँ, जितने सर टाइट रहते हैं मैं लीनियंट रहता हूँ। अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं तो मैं क्या करूँ यार, तुम्हें इच्छा है तो करोगे, पूछोगे, और सीख, और बाकी अगर नॉर्मल सीखना है पढ़ के निकलना है यार, कल कल में हमसे ज़्यादा मतलब एक इंजीनियर से ज़्यादा तो यार कौन कमा रहा होता है, कॉमर्स वाला कमा रहा होता है, सीए भी, उससे ज्यादा आर्ट्स वाला जो IAS IPS बन जाता है, वो कहानी सुनी होगी आपने भी, उससे ज्यादा कौन पढ़ा रहा था वो टेंथ फेल जो पॉलिटिशियन बना हुआ है ऊपर। तो मैं फोर्स नहीं करता, मैं कहता हूँ यार अपना मॉड्यूल करो, फॉर्मूला लगाने आने चाहिए क्या हो रहा है, बेसिक एप्टीट्यूड सीखो, ठीक है ना? एप्टीट्यूड मेजर करता है यार, मैटर करता है वो चीज़ सीखो बस, थोड़ा फोकस करो। हाँ अगर आपको बिल्कुल ही आप हो डेडिकेटेड बंदे होना भी चाहिए इंसान को, IIT के लिए जाना है या फिर मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको तो करना पड़ेगा, टीचिंग भी वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है? हमारे टाइम पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी, मैं लोकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो एस सी वर्मा करते हैं बस, एक बुक एस सी वर्मा कब करो, एस सी वर्मा को वहाँ तो वो हो जाता ना, क्या बोलते हैं स्कूल, हमारा वो भी नहीं होता, सुबह 7 बजे जाओ
2 बजे आओ, फिर 3:30 से कोचिंग जाओ 7:30 तक, फिर उसके बाद समय मिल गया तो 3-1 घंटे में कर लो प्रैक्टिस, वैसा होता था लोकल कोचिंग में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बुजुर्ग नहीं हो गया हूँ मैं, 2010 की बात है, तो तब हम ऐसे करते थे 2009। तो देखो इसको लिखो, फिर छोड़ते हैं ना अपनी क्लास,